डेली पेज उल्लासनगर, हमारी खबरें हमारी पहचान। भाजपा द्वारा महिला को 1500 रुपए अकाउंट में आने का लाडली बहन योजना के माध्यम से, मगर उसका एक वीडियो बनाया गया, कुछ बहनों के हाथों पे पैसा दिखाया गया, उसका वीडियो बना के सोशल मीडिया पे जमकर वायरल किया गया। क्या कहेंगे आप, मन से इसका विरोध कर रही है? नहीं, जो शासन ने योजना लाई है महिलाओं के लिए वो सचमुच एक अच्छी योजना है, क्योंकि इसका जो फायदा है, जो लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं, गोर गरीब है, उनको 1500 का वैल्यू क्या है वो मालूम है। जिनके पास पैसा है उनको 1500 का वैल्यू मालूम नहीं पड़ेगा। एक सरकार की तरफ से जो योजना लाई गई है वो सराहनीय है, लेकिन उस योजना के माध्यम से जिस तरीके से कुछ चीज़ें की जा रही है ये चीज़ें गलत हैं। महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। महिलाओं को इस तरह से हाथ में पैसा दे के, नाच के, वीडियो बना के, उनकी तरह खुद के पार्टी का जाहिरात करना, ये चीज़ गलत है और इसका महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना निषेध करती है। महिलाओं का सम्मान करना सीखना चाहिए। ऐसा जाहिरात करने से क्या लोग तुम्हारे पास आने वाले हैं, लोग तुमको वोट देने वाले हैं? ये तुम खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। और मैं भाजपा के पदाधिकारी को बताना चाहूँगा कि महिलाओं का सम्मान करना सीखो, महिलाओं का अवमान करना नहीं। इस तरह वीडियो बना के, खुद का आवाज़ दे के इस तरह जाहिरात करना, ये चीज़ गलत है। आज जो चल रहा है महाराष्ट्र में आप देख रहे हो, एक बदलापुर का घटना है, इधर बहुत सारी घटनाएं ताजी है। ऐसे में हम समाज को क्या दिखा रहे हैं? हम समाज को क्या देना चाहते हैं? हम समाज को समाज से क्या बंधे हुए हैं? हमको महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, ये चीज़ हम समाज सेवक होने के नाते समाज को पहुँचाना चाहिए। उल्टा उनका अवमान करने का काम अगर हम कर रहे हैं तो ये चीज़ गलत है और इसका मैं निषेध करता हूँ। बंडू जी, जो वीडियो के बाद बीजेपी ने माफ़ी मांगना चाहिए, ऐसा सोशल मीडिया पे कई लोगों द्वारा मैसेज वायरल हो रहे, मगर ऐसा नहीं हुआ तो मंच की आगे की उम्मीद क्या रही? मैं तुमको बोल रहा हूँ, जो तरह से वीडियो बनाया गया सोशल मीडिया में वायरल किया गया, जिस तरह से मेरे बहनों के हाथ में पैसा दिया गया है, नचाया गया है, ये चीज़ गलत है। और इसका अगर बीजेपी उसका माफ़ी नहीं मांगती है तो आने वाले समय में बीजेपी को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। जिन लोगों ने सोशल मीडिया पर इन बहनों का वीडियो वायरल किया है, उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनको यही का बताना चाहता हूँ, आप समाज में काम करते हो, समाज के लिए अच्छा काम करो, बल्कि 1500 रुपया देके खुद के पार्टी की जाहिरात करना और अपने बहनों को इस तरह से दिखाना, ये चीज़ गलत है और इसका मैं निषेध करता हूँ। और उनको मैं बोलता हूँ, अगर आने वाले समय में आपने ये सब रुकाया नहीं, इसका जो अंजाम है वो आपको भुगतना है। आपको अगर लग रहा होगा कि लोग आपको वोट देंगे तो ये चीज़ गलत है, क्योंकि मैसेज समाज में गलत जा रहा है। बहुत सारे लोग मुझे भी फोन कर रहे थे, मेरा भी बात हुआ, लेकिन ये चीज़ गलत है। गलत का हम लोग महाराष्ट्र नवनिर्माण सेवक की तरफ से निषेध करते हैं।